प्यार जाए एक जहां से। ओ लाए मैं दुलाए बहारों के अफसाने भी वासे। ओ यार मुझे छूना दूर ही रहना, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, मुझे न छूना, परी हूँ मैं। इन्हड़ा विड़वा गई थी मोरी सैया, इन्हड़ा विड़वा गई थी रे, विड़वा पोरनी गई थी मोरी सैया, विड़वा पोरनी ते तेरे लोर। सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो गए, मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। ओके गाइस, आज की वीडियो में ना मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना गरबा नाइट मेकअप ट्यूटोरियल। टाइटल देख के तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस लुक के बारे में बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक और गरबा लुक डाल चुकी हूँ जो बहुत सुंदर हुआ था, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ था, वो भी इससे भी लाइक मुझे पसंद आया था वो। बट मैंने इसको थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्रिएट करने की कोशिश की है, लाइक ये पहन के। ये भी मैंने जुगाड़ बनाया, ये भी मैंने जुगाड़ किया, पिछली वीडियो में भी मैंने जुगाड़ किया, बिकॉज मेरे पास इतने ज़्यादा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी नहीं है। ओके, ये वाला लुक को ना मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइक सटा रखने की कोशिश की है, बट बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है गाइज। मतलब इस लुक के, इस ऐसी ड्रेस के साथ ना बिल्कुल मैच कर रहा है। मतलब मैंने थोड़ा सा यूनिक टाइप की क्रिएट करने की कोशिश की है, ये वगैरह लगा लगा के। तो अगर ये वाला ट्यूटोरियल आप जानना चाहते हो ना कि मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो प्लीज़ आप वीडियो में मेरी एंड तक बने रहना। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि किसको किसको गरबा खेलना पसंद है। और हाँ, कमेंट में ना हैप्पी नवरात्रि लिखना मत भूलना, मैं पिन ज़रूर करूँगी, ठीक है। ओके, सो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को फुल वॉच करना, एंड प्लीज इफ यू लाइक माय कंटेंट, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलो अच्छा गरबा खेलते हैं। नाउ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ओके, इससे पहले भी मैंने एक और नवरात्रि का ट्यूटोरियल किया था, अगर अभी तक नहीं देखा ना गाइस तो जरूर जाके देखना। अच्छे से मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। बाय द वे, ड्रेस ना ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। स्टे करके का मैं प्राइमर ऑयल लगा रही हूँ, इससे पहले मैंने टोनर लगाया था। लैक्मे की यहाँ पे मैं क्रीम लगा रही हूँ, बहुत मतलब लाइक ठीक है, चिपचिप भी नहीं करती है और स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर देती है, ठीक है। मेकअप रेवोल्यूशन की कलरफुल आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, जिसके ऑलमोस्ट कलर सब टूट चुके हैं गाइस। इसमें से ना मेरे को मतलब पिंपल आ गया था, काफ़ी दिन से है ये पिंपल और काफ़ी बड़ा भी हो गया है। तो इसमें ना आप जैसे ब्लू और ग्रीन कलर मिक्स करके लगाओगे ना तो आपका ये हाइड हो जाएगा। लाइक ये ना कलर करेक्टर का काम करता है। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स बनाया था तो मुझे बहुत पसंद आया था, तब से मैं ये हैक करती हूँ। नाइका का यहाँ पे मैं ले रही हूँ फाउंडेशन। ये ना आप देखते हो, मैं गिने चुने प्रोडक्ट्स ही दिखाती हूँ, जो मुझे पसंद होता है ना। मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट जो मुझे पसंद होता है उसी में मुझे ऐसा लगता है कि सेटिस्फेक्शन मिलती है। और अगर मेरा बेस अच्छा नहीं हुआ ना तो मेरा मेकअप करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, चाहे फिर आधी मेरी मेहनत वेस्ट जाए। क्योंकि इससे पहले मैं ये लुक एक बार और कर चुकी हूँ और वो मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं आया, उसका बेस इतना अच्छा नहीं बना था गाइज। मेबलिन का फाउंडेशन लिया मैंने और उसका शेड था आइवरी, क्योंकि वो लाइट है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से उसको मैं कंसीलर जैसे यूज़ कर लेती हूँ। बहुत अच्छा वर्क करता है गाइज, यू कैन सी कितना अच्छा मेरा बेस लाइक बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा था, मतलब कोई वो नहीं लगा, ड्रायर ऐसा नहीं लगा। इस टेक वर्की का प्राइमर ऑयल लगा लो ना, मतलब मेरा सेकेंड बॉटल है, बहुत इजीली ब्लेंड होता है सच में। जब भी आप अपनी आईब्रोज फिल करो, नीचे की तरफ उसको कॉम कर लो, फिर अपनी आईब्रोज फिल कर लो, फिर एजेस क्लीन कर लो उसके। तभी मैंने सेट नहीं किया क्योंकि मुझे एजेस क्लीन करने थे, ठीक है। एजेस क्लीन कर लो, बिल्कुल प्रोफेशनल वाली फीलिंग आती है गाइज।
हिलेरी रोज अगर यहाँ पे मैं ले रही हूँ, लूज पाउडर ये ना आज से मैंने 3 या 4 साल पहले लिया था और अभी तक चल रहा है। चल तो वो मैं चला रही हूँ बट ये बहुत अच्छा है। लाइक ये आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा पर मुझे अच्छा लगता है। इसको मैं लगा के छोड़ दी हूँ, ठीक है, ऊपर ऊपर से हटा दी हूँ जहाँ जहाँ से मुझे कॉन्ट्योर करना है। अब कॉन्ट्योर क्यों करते हैं, देखो आपका जो फेस है ना बहुत ज़्यादा फूला फूला सा लगता है तो वो ना थोड़ा उसको डायमेंशन मिल जाती है, बहुत ज़्यादा सा वाइट वाइट सा नहीं लगता है। बिकॉज हम लोग वाइट फाउंडेशन लगाते हैं लाइक क्रीम या वाइट, तो बहुत ज़्यादा वाइट वाइट सा नहीं लगता है, थोड़ा नेचुरल लगने लग जाता है, कट मिल जाता है, डायमेंशन मिल जाती है। ओके, यहाँ पे मैंने लिया था, यस भूल गई थी, हॉट मेस की। मैंने यहाँ पे केपले वाली हॉट मेस की, इसमें ना आपको 4 शेड्स मिलते हैं बट चारों शेड्स का इस बहुत अमेजिंग है, बहुत पिगमेंटेशन वाले हैं। पिंक शेड लेके साइड साइड में लेके उसको ब्लेंड कर लिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। फिर मैंने कफन लेशन की आई शेडो पैलेट ली, उसमें से ना ग्लिटर आई शेडो पैलेट थी उसमें से ग्लिटर लिया मैंने, क्रीम पिंक और गोल्डन तीनों को मिक्स करके लगा लिया, ठीक है। बहुत सिंपल आई लुक है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव है। आईज के कॉर्नर में भी लगाया मैंने, लोअर लाइन में मैंने पिंक कलर स्मज किया, आई लाइनर लगा लिया मैंने कोलोसल का, ठीक है। स्टेक वर्क का यहाँ पे मैंने ले लिया ब्लश। ब्लश मैं कहाँ लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ पे मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। मैं अपने चीक बोन्स पे नहीं लगाऊंगी और एप्पल ऑफ द चीक में भी नहीं लगाऊंगी, मैं जहाँ पे मैंने कॉन्टोर किया ना वहाँ वहाँ पे ऊपर ऊपर लगा लूँगी, ठीक है। ज़्यादा भर भर के नहीं अप्लाई किया मैंने। मार्स का ये वाला हाईलाइटर जिसकी मैं ना अभी एक वीडियो बनाने वाली हूँ अमेजोन फाइंस, क्योंकि ऐसे उसमें प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी ना गाइस जो मतलब मेरे दिल को छू गया, मतलब एकदम ऑनेस्ट वाला, जो मेरे मतलब इतने प्रोडक्ट्स में से मेरे 4-5 गिने चुने प्रोडक्ट हैं जो मैंने दोबारा परचेस किए हैं खुद से। तो या बनाऊंगी, जल्दी बनाऊंगी। ओके, यहाँ पे मैं ले रही हूँ मामा अर्थ का मस्कारा, बहुत अच्छा वाला मस्कारा है। आज ना मैंने लैशेस नहीं लगाए, मेरा मन ही नहीं था लैशेस लगाने का। माया ग्लैम की यहाँ पे मैंने लिप बाम लगा ली ताकि थोड़ा सा मेरे लिप्स मॉइस्चराइज हो जाए। गाइस ये शुगर की लिपस्टिक का शेड इतना ऑसम है ना, इसका शेड मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। शेड नंबर 10 डी पीच मोड, गाइस ट्रस्ट मी बहुत अच्छा है, मैट भी हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा है, हैवी हैवी सा भी नहीं लगता है। तो अगर आप कोई मैट लिपस्टिक परचेस करना चाहते हो लाइक इस टाइप की, पैकेजिंग भी इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे, मतलब मुझे ना ये खुद ब्रांड ने सेंड की थी, मतलब मुझे बहुत पसंद आई, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, टीनेजर के लिए बहुत अच्छी है। ओके, यहाँ पे ना मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ, मुझे ना आज थोड़ा सा आगे से थोड़ा ऐसे बंधी हुई हेयर स्टाइल चाहिए थी, हेयर मुझे अपने ओपन नहीं करने थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आगे से मैंने वो फ्रेंच वाली बांध ली, मैंने अभी अभी सीखी है, मुझे आती नहीं थी, फिर मैंने बांध की। और हाँ पता है, मैंने अपने बालों में एक मास्क लगाया है, ओह माय गॉड, उसके ऊपर ऑलरेडी शॉर्ट्स अपलोडेड है गाइस, इतना अच्छा मास्क है, ट्रस्ट मी गाइस, हाईली रेकमेंड करूँगी, मतलब हाईली। ये मांग टीका फ्लिपकार्ट का, इसका पूरा नेकलेस ये जो है ना पूरा फ्लिपकार्ट का है, इसमें जो साइड साइड में लगी हुई है ना ये मैंने मंगलसूत्र की निकाल के जुगाड़ बनाया है। आपको तो पता है भाई मैं जुगाड़ बना लेती हूँ, जब एट द एंड मुझे कुछ नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बना ही लेती हूँ गाइस मैं। इसी में आपको इयररिंग भी मिलेंगे, बहुत सुंदर लुक टर्न आउट हुआ था, बेस देखो कितना ग्लोई सा लग रहा है, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। मेरे पास ना नोज पिन भी नहीं है, मेरी सारी नोज पिन खो गई हैं और यहाँ पे मिल नहीं रही, हम लोग कभी थोड़ा चित्रकूट में शिफ्ट हो गए ना गाइज, आपको पता है अहमदाबाद में नहीं रहती हूँ मैं, तो इस वजह से बिंदी लगाई और बिंदी के नीचे मैं थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट डॉट्स होते हैं ना वो लगा लूंगी, भाई पक्का वाला गुजराती लगनी है ना आज मुझे, मेरा इतना मन है अहमदाबाद में गरबा खेलने का इतना, बट यार सब मैंने मिस कर दिया, मैं जा ही नहीं पाई अहमदाबाद कुछ भी बोलती हूँ। मेरे पास हाथ में पहनने के लिए भी कुछ नहीं था, पता है मुझे ना एक टीनेजर लुक करना है और जिसमें मतलब मैं ऐसा गरबा वाला, लेकिन यार मेरी ड्रेस आ गई तो मैं जरूर करूंगी, मैंने ऑर्डर की है, आ जाएगी तो मैं जरूर करूंगी गाइज। ओके, मैंने ये दुपट्टा डाल लिया और बहुत सुंदर लुक लग रहा था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा है, अगर पसंद आएगा ना तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर लेना, प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना गाइस, प्लीज मुझे सपोर्ट करो, मुझे ना इस वक्त आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा, ट्रस्ट मी आपका 1 लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
तो प्लीज मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. आप लोग कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए. चलो बाय, आई लव यू ऑल.